हेलो गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं डामर सीरीज के फिफ्थ एपिसोड को। एपिसोड फोर्थ रीकैप। जेफ 9 साल के बाद वापस एक स्टीवन नाम के लड़के का खून कर देता है और उसकी बॉडी दादी के घर के बेसमेंट में छुपा देता है। बाद में जेफ को आर्मी से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ उसने एक लड़के को ड्रग्स पिलाकर उसके साथ मनमर्जी की थी। अब आगे एपिसोड 5। इसमें 1987 के सीन को दिखाया जाता है जब जेफरी अपनी दादी से कहता है कि मैं चॉकलेट मिक्स करने का काम करने लग गया हूँ। बाद में काम पर जेफरी खाना खाने के साथ ड्रिंक्स पी रहा होता है तो उसकी नज़र अखबार पर पड़ती है, तो अखबार में डेनियल की फोटो छपी होती है कि वो अब मर चुका है। फिर वापस 1991 के सीन को दिखाया जाता है जिसमें पुलिस जेफरी से पूछती है कि तुम्हें वो डेनियल लड़का खूबसूरत लगा और तुम उसके अंतिम संस्कार में भी चले गए, लेकिन तुम तो उसे जानते तक नहीं थे। तो जेफ कहता है हाँ, मैं उसकी हर रस्म में गया, फिर मैंने उसे कब्र से निकालने की कोशिश की क्योंकि मैं उसके साथ लेटना चाहता था जब तक कि वो ताजा था, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि मार्च का महीना था और जमीन काफी कठोर थी, मुझे बहुत समय लग जाता कब्र को खोदने में। तो पुलिस पूछती है तुम उन्हें काबू करना चाहते थे, तो जेफरी कहता है हाँ, सभी ने मुझको ही बताया है कि क्या करना है, जैसे मेरी दादी, मेरे डैड और मेरे बॉस, तो बस यही लड़के थे जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में कंट्रोल कर सकता था। फिर पुलिस पूछती है स्टीवन हिक्स के बारे में जिसको जेफरी ने लिफ्ट दी थी, तो जेफ कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था। और फिर पुलिस दूसरे स्टीवन टॉमी के बारे में पूछती है जिसे जेफ ने होटल में मारा था, तो जेफ कहता है मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो भी एक एक्सीडेंट था। फिर पुलिस कहती है कि उसके बाद तुमने जानबूझकर कत्ल करना शुरू कर दिया, तो जेफरी कहता है मैंने अकेले में ज्यादा पीना शुरू कर दिया था, मुझे अकेलापन महसूस होता था और जब मैं बाहर क्लब में जाता तो वहाँ किसी लड़के को उठाता और उन्हें दादी के घर ले आता, मैं उनकी ड्रिंक्स में ड्रग मिलाता, फिर मैं उन्हें नीचे बेसमेंट में ले जाता और उनका गला दबाकर उन्हें बेहोश कर देता क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनको दर्द हो, फिर मैं उनके साथ मनमर्जी करता। फिर पुलिस पूछती है दादी के घर में कितने कत्ल किए थे, तो जेफ कहता है 3, एक आदमी काला था, एक चिकानो था और एक अमेरिकन इंडियन था, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि वो मुझे खूबसूरत लगते थे। तब एक पुलिस वाला कहता है मैं नहीं मानता, तुमने अपने शिकार सोच समझकर चुने थे, तुमने जानबूझकर वहां रूम लिया था जहां ब्लैक लोग रहते थे, तो जेफ कहता है मेरे पास उतने ही पैसे थे। तो पुलिस कहती है कि एक ऐसा इलाका जहां पुलिस का आना जाना कम था और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते थे। और पुलिस पूछती है तुम उन्हें दादी के घर लाते थे फिर, तो जेफ कहता है मैं उस वक्त बहुत डर जाता था कि दादी कहीं नीचे आके ये सब देख ना ले, लेकिन उन्हें नीचे आना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में वहां से उनको बदबू आना शुरू हो गया, लेकिन मैंने इसका भी तरीका ढूंढ लिया था, मैं उन लाशों के टुकड़ों को 3 बैगों में डालकर कचरे में फेंक देता था, फिर कोई बदबू नहीं आती थी। और पुलिस पूछती है कि क्या तुम उन लाशों के साथ किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जेफ कहता है हाँ, मैं उनके कुछ हिस्सों को तेजाब में डालता था और कुछ हिस्सों को उबालता रहता था ताकि मांस उतर जाए। फिर पुलिस पूछती है तुम्हारी दादी माँ को कभी शक नहीं हुआ, तो जेफ कहता है उन्हें शक तो हुआ था लेकिन उसका नहीं जो मैं नीचे बेसमेंट में कर रहा था, उन्होंने मुझे लड़कों को घर लाते हुए देख लिया था लेकिन वो इसके बारे में मुझसे नहीं जानना चाहती थी। और फिर दादी को वापस बदबू आना शुरू हो गई क्योंकि जुलाई और अगस्त के महीने में नीचे बेसमेंट में बहुत उमस हो गई थी और एसी भी नहीं था। बाद में जेफ के पापा वहाँ बेसमेंट में नीचे जाते हैं तो उन्हें गंदी बदबू आती है, तो जेफ कहता है कि मैं यहाँ जानवरों को काटता हूँ, आपको तो पता है टैक्सीडर्मी मेरा शौक है। फिर उसके पापा रूम को चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें गंदगी साफ करनी चाहिए, तो जेफ कहता है मैं ये सब बंद कर दूंगा। फिर पुलिस जेफ से पूछती है क्या इसके बाद तुमने ये काम बंद कर दिया, तो जेफ कहता है हाँ, लेकिन कुछ महीनों तक। कमाल की बात यह है कि जब मैंने ये सब काम करना बंद कर दिया उसके बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया, लेकिन मैंने फिर से उस काम को करना शुरू कर दिया। फिर एक रात रोन नाम के आदमी की गाड़ी खराब हो जाती है, तो जेफ उससे कहता है कि यहीं पास में मेरी दादी का घर है, पहले वहां जाके हम मेरी गाड़ी ले आते हैं, फिर तुम्हारी गाड़ी मैं ठीक कर दूंगा। तो रोन मान जाता है और जेफ के साथ उसके घर चला जाता है। वहाँ जेफ कॉफी में ड्रग्स मिलाकर रोन को पिलाता है तो उसे नशा हो जाता है। फिर वो सोफे पर उसका गला दबाने ही वाला होता है कि दादी वहाँ आ जाती है, तो जेफ दादी से कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसने ज्यादा शराब पी ली थी, इसे अब आराम करने की जरूरत है, आप यहाँ से चले जाइए। तो दादी कहती है जब तक इसे होश नहीं आता मैं इसी के साथ रहूंगी। फिर सुबह होने के बाद भी उस लड़के रोन का नशा नहीं उतरा, तो जेफ और उसकी दादी रोन बस स्टॉप पर चले जाते हैं। बस आने पर जेफरी उसे पकड़कर अंदर सीट पर बिठा देता है, तो ड्राइवर जेफ से कहता है ये बस 27 स्ट्रीट तक जाएगी, तो जेफ कहता है ये भी तो वही रहता है। फिर ड्राइवर रोन को आखिरी स्टेशन पर उतार देता है।
फिर वो नशे की हालत में खेतों में जाकर गिर जाता है। अगले दिन रोन अपने आप को हॉस्पिटल में पाया हुआ देखकर हैरान हो जाता है। थोड़ा ठीक होने के बाद वो पुलिस के पास जाता है और कहता है कि एक लड़के जेफ ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और उसने मेरा पर्स और ब्रेसलेट भी चुराया है। फिर पुलिस जेफ के घर जाकर उससे रोन के बारे में पूछताछ करती है तो जेफ कहता है कि वो नशे में था और मैंने सिर्फ उसकी मदद की थी, मैंने उसका पर्स और ब्रेसलेट नहीं चुराया, दादी मेरे साथ ही थी, चाहे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। फिर दादी कहती है जेफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर पुलिस रोन से आकर कहती है कि हमने उसके घर जाकर जेफ और उसकी दादी से बात की थी, जेफ कई बार गिरफ्तार हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। तब रोन कहता है कि आप एक शरीफ काले आदमी की बात की जगह उस सफेद आदमी की बात मार रहे हो जिसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फिर वो वहां से चला जाता है। बाद में जब रात होने पर रोन बाहर आता है तो वो देखता है कि जेफ एक और आदमी को अपने साथ लेके जा रहा है। तभी वो उसके पास जाके कहता है कि ये आदमी तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। फिर जेफ के साथ वाला आदमी वहां से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद जेफ भी वहां से चला जाता है। फिर बाद में रात को जेफ एक और लड़के को अपने साथ घर ले आता है। फिर वो लड़का नशे में ही जेफ के घर से बाहर निकल जाता है। जब जेफ उसके पीछे जाता है तो उसकी दादी उसे घर पर वापस बुला लेती है। वो लड़का घर जाने के बाद अपने बेड पर जाके सो जाता है। फिर उसके पापा एम्बुलेंस को बुलाते हैं। अगले दिन जेफ चॉकलेट मिक्स करने का काम कर रहा होता है तो वहाँ पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उस लड़के के पापा ने कोर्ट केस कर दिया था। तो वहाँ जज उससे कहता है कि जेफरी तुमने सेकंड डिग्री के सेक्सुअल असोल्ट के चार्ज में कुछ ना कहने का फैसला किया है। फिर जज उसे एक साल की सजा सुनाता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें दूसरा मौका भी मिलना चाहिए, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है तो ये कोर्ट तुम्हें हर हफ्ते 40 घंटे काम करने की छूट देती है और काम खत्म करने के बाद तुम सीधा जेल में रिपोर्ट करोगे। फिर जेफ और उसके पापा कोर्ट से सीधा दादी के घर जाते हैं तो रास्ते में जेफ के पापा कहते हैं हम आखिरी बार साथ में फैमिली डिनर करेंगे और जब तुम जेल से बाहर आओगे तो तुम्हें अपना घर लेना होगा। फिर खाना खाते वक्त जेफ के पापा कहते हैं कि दादी के पास मेरा एक पुराना बक्सा था जिसमें मेरी चीजें थी, वो लेकर आओ। तो जेफ कहता है कि वो उन्होंने मुझे दिया है। बाद में जब जेफ उसे लेने जाता है तो जेफ के पीछे उसके पापा उसके रूम में चले जाते हैं। फिर जेफ अपने पापा से कहता है इस बॉक्स की चाबी मुझे नहीं मिल रही तो उसके पापा नीचे जाकर उसे तोड़ने के लिए औजार लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जेफ ने उस बक्से में कोई गलत चीज छुपा रखी है। लेकिन उनके नीचे जाते ही जेफ उस बक्से में से उस खोपड़ी को निकाल देता है। उसके पापा जब वापस आकर उस बक्से को खोलते हैं तो उसमें उन्हें पोर्न मैगजीन्स मिलती है। जेफ कहता है कि दादी को ना मिले इसलिए मैंने इसे बक्से में छुपाया था। तो फिर उसके पापा वहां से चले जाते हैं। बाद में एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर डामर पूछते हैं कि स्टेट फेयर में तुमने क्या किया था तो जेफ कहता है कि मैं तो सिर्फ बाहर पेशाब कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि कोई और देख लेगा। फिर एक सीन आता है जिसमें वो जेफ को जेल से छुड़ाकर उसे लेने के लिए आते हैं। तब वो जेफ से पूछते हैं कि तुमने उस लड़के को मोलेस्ट क्यों किया तो जेफ कहता है कि मैंने उसे मोलेस्ट नहीं किया, मैं तो बस उसकी फोटोज ले रहा था। फिर कोर्ट वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें उस लड़के के पापा जज के सामने बोल रहे होते हैं। बाद में जज कहता है कि जेफरी आपने सेकंड डिग्री के सेक्सुअल असोल्ट के चार्ज में कुछ ना कहने का फैसला किया है तो मैं आपको मिलवोकी काउंटी हाउस ऑफ करेक्शन में एक साल की सजा सुनाता हूँ। फिर जेफ के पापा जज को एक चिट्ठी लिख रहे होते हैं कि मेरा बेटा शराबी है, उसका दाखिला शराब छोड़ने वाले प्रोग्राम में करवाना चाहिए। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जेफरी को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें एक हफ्ते के लिए दादी के पास रहना होगा और बाद में तुम्हें अपना एक खुद का रूम लेना होगा। फिर जेफ के पापा उससे पूछते हैं कि जब तुम अंदर थे तो किसी काउंसलर ने तुम्हारी किसी भी चीज में मदद की थी जैसे तुम्हारे शराब छोड़ने के मामले में तो जेफ कहता है कि वो अंदर अकेला छोड़ देते हैं, मैं अंदर अकेला ही रहा था। फिर मिस्टर डामर जेफरी को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और खुद दीवार के पीछे जाकर रोने लग जाते हैं। फिर एक सीन आता है जिसमें जेफरी एक गूंगे लड़के को अपने घर का पता बता रहा होता है और बाद में उसे अपने रूम में ले जाता है और इसी के साथ पांचवा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो इसके 6th एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो जल्दी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।